हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 19 तारीख की वर्कशीट केजी कक्षा की हिंदी कार्यपत्र का 112 नंबर की। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आइए, अभी तक हमने जो भी अक्षर सीखे हैं, आज मिलकर उनकी बनावट का अभ्यास करें। तो आज इनकी बनावट का अभ्यास करना है। ये है क, तो क कैसे बनाते हैं आपने वो सीखना है। उसके बाद प, फिर ज, उसके बाद ग, फिर है र, ब, फिर है घ और आखिरी में है म। चलिए अब हम नीचे दिए गए चित्र के बारे में चर्चा करें कि चित्र में क्या हो रहा है। तो देखते हैं चित्र में क्या हो रहा है, इसके बारे में हमने चर्चा करनी है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहले इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, फिर चित्र की चर्चा करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि यह चित्र किस जगह का हो सकता है? तो अगर देखें, हम अगर सिर्फ इन बच्चों को देखते तो हम शायद कहते ड्राइंग रूम का है, लेकिन यहाँ पे तो बच्चे खेल भी रहे हैं, चित्र भी बना रहे हैं, बैठे भी हैं, ठीक है? तो ये चित्र हो सकता है एक्टिविटी रूम का। कौन से रूम का है? एक्टिविटी रूम का। और इसे हिंदी में कहते हैं गतिविधि कक्ष, जहां अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, एक्टिविटी रूम, और हिंदी में कहते हैं गतिविधि कक्ष। क्या आप पहले कभी ऐसी किसी जगह पर गए हैं? हाँ, जरूर गए होंगे, क्योंकि स्कूल में ऐसा कक्ष होता है। लेकिन अगर आप नहीं गए हैं तो आप ना लिखेंगे या ना बोलेंगे, क्योंकि आपकी आपको क्या करना है, वीडियो भी बनाकर अपनी अध्यापिका को भेजना है। दो में से एक काम करना है, या सिर्फ ऑडियो आवाज, या साथ में अपनी शक्ल के साथ वीडियो, ठीक है? तो अगर गए हैं तो हाँ, अगर नहीं गए हैं तो ना। यदि हाँ, तो आपने वहां जाकर क्या किया, फिर आपने क्या किया? अगर आप वहां गए तो आपने चित्र बनाए या आपने खेल खेले, आपने क्या किया आपको वो बताना है। फिर है चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में हमें बच्चे चित्र बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हमें कुछ बच्चे खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चे खूब मजे कर रहे हैं। अगला, दीवार पर क्या क्या बना हुआ है? दीवार पर देखो क्या क्या, दीवार पर पेड़ बना हुआ है, और दीवार पर अलग अलग आकार बने हुए हैं। ये शेप्स होते हैं, अलग अलग शेप्स की चीजें बनी हुई हैं। देन उसके बाद है, जमीन पर बैठे बच्चे क्या कर रहे हैं? जमीन पर बैठे बच्चे खेल खेल रहे हैं। अगला, तो इन पांचों का उत्तर आपने या तो ऑडियो में देना है अपने टीचर को, या वीडियो में। आइए अपनी फुलवारी की कार्यपत्र का संख्या 3 में दिए गए सूरज के चित्र में पीले रंग के कागज के छोटे छोटे टुकड़े फाड़कर चिपकाएं और कार्यपत्र का संख्या 16 में रंग भरें। तो कार्यपत्र का 16 में रंग भरना है, और संख्या 3 वाले में क्या करना है, एक पीले कलर का कागज ले लीजिए, उसके छोटे 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 टुकड़े बनाने हैं। और आप इस सूरज में क्या कीजिए, यहाँ पे पूरा अंदर फेविकॉल लगा के फिर उन जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको उसके ऊपर चिपका दीजिए। अगला, अभिभावकों के लिए सुझाव है, मम्मी पापा के लिए। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगली वर्कशीट आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। बच्चों को विभिन्न रंगों से अवगत कराने के लिए घर की वस्तुओं की सहायता ली जा सकती है, जैसे क्या आप वह लाल रंग का कपड़ा ला देंगे? तो मम्मी पापा अब आपको घर की वस्तुओं के वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या बताएंगे, अलग अलग रंगों से अवगत कराएंगे, ठीक है, अवेयर कराएंगे, अलग अलग रंगों की जानकारी देंगे। कोविड से बचने के लिए हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं।
मैं मिलती हूँ बच्चों कल नई वर्कशीट के साथ। बाय।